मुझसे मेरा दिल ये छीना गया है, जहाँ पे मैं अक्सर सताया गया हूँ। कन्हैया मेरे सब्र की लाज रखना, मैं दर पे तुम्हारे बुलाया गया हूँ। अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी जिंदगी में। बदल ही गई मेरी दुनिया तभी से, जो नजरे करम की मेरी जिंदगी में। किसी दार्शनिक ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जो पूरे विश्व को भारत एक नेतृत्व करता होगा, और पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा, होगा सत्य सनातन। 21वीं सदी वो ट्रांजिशन का टाइम है, जहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, और उस कथन का एक साक्षात उदाहरण जो है आज हमारे सामने उपलब्ध है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। आज के हम शो में आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति कैसे सनातन धर्म को अपनाता है और क्यों अपनाता है। ये पूरी कहानी हम जिनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। श्री राधे। हाँ, जय श्री राधे। जय श्री। मतलब सनातन के तरफ जो आपका झुकाव था वो मतलब बचपन से था, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये सफर कैसे रहा? सफर तो देखो मेरे हाथ में, ये सफर इन्होंने स्टार्ट कराया है। हाँ। और यही शुरू करने वाले हैं और यही खत्म भी करेंगे, तो इनकी कृपा है। इनकी कृपा है। आप इस्लाम से आए भी और फिर सनातन, तो ये ऐसा क्या था सनातन में, क्या अच्छाई थी जो आपने अपने कौम छोड़ करके सनातन एंट्री ले लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि छोड़ना पकड़ना, यह हम तो इंसान के बस में है। और रही बात कि सनातन में आने की, तो सनातन में मुझसे मेरा दिल ये छीना गया है, जहाँ से मैं अक्सर सताया गया हूँ। कन्हैया मेरे सब्र की लाज रखना, मैं दर पे तुम्हारे बुलाया गया हूँ। तो मैं आने वाला नहीं हूँ, इन्होंने बुलाया है, और यही जानते इसकी माया ना। तो भाई मैं ये कहूँगा कि मैं इस्लाम मुझे ये था या वो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने इतने इस्लाम में पढ़ा भी नहीं कि मुझे इस्लाम की कोई जानकारी है। तो मुझे एक कृपा हुई ठाकुर जी की, और फिर वो आदमी मुड़ जाता है, तो फिर इस्लाम का तो पता ही नहीं लगता कि भाई आदमी पीछे मुड़ के देखता नहीं, पर ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी फिर सनातन में आदमी आ जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा है, और यही लेकर आने वाले हैं और यही करवाने वाले हैं जो कुछ भी हैं। तो मेरा तो शायद ये नहीं लगता कि मैंने कोई सोच समझा है या सोच समझ के कुछ छोड़ा है या वो करें, नहीं। और शायद हो सकता है कि मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सका, इसलिए ठाकुर जी ने यहाँ, या वो होता ना हमारे तो सनातन में माना जाता है पिछले जन्म का कोई रिश्ता जो पूर्व कर्म। तो एक चीज़ था जिसे आपने जब हिंदू धर्म में आए, ठाकुर जी के सेवक बन गए, तो ये आप मतलब इस्लाम धर्म का आपका क्या नाम था, फिर इधर नाम परिवर्तन किया कि नहीं किया? मैंने कुछ परिवर्तन तो खैर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। मेरा पहले का जो नाम था वो जावेद था, और आपका जो नाम है, मेरा शिबू निक नेम था, मैंने उसको ही अपना नाम बनाया, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद से शिबू में कृष्ण दासी लगा दिया, शिबू कृष्ण दासी, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि कृष्ण का नाम मेरे साथ जुड़ना, और मैं उनकी जगह हर जगह जाता हूँ तो सब लोग कहते हैं कि अरे ये मुस्लिम कृष्ण भक्त है, तो एक नाम जोड़ ही दिया। मैंने कहा कि जब सब लोग ही जोड़ रहे हैं तो मैं भी जोड़ देता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी अगर कृष्णा का नाम जोड़ के मुझे बुलाया तो लगता है कि मुझे अगर ठाकुर जी के नाम से मुझे जाना जाए, और ठाकुर जी की मेरे नाम के साथ उनका नाम है, तो मेरा तो बहुत सौभाग्य। अगर हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसकी बातें, उसका नाम, उसका सरनेम, वो हम चाहते हैं कि हमारा सब लग जाए, आप देखना। और कई बार तो ठाकुर जी हैं वो तो कुछ ना कुछ देखेंगे भाई, अगर एक जन्म की जो जीवन साथी हो तो उसके लिए कितना कुछ सीखना पड़ता है। इसको रोटी बनाने आता है कि नहीं, इसको खाना बनाने आता है कि नहीं, इसको अब तो दूसरा चल गया दहेज का दूसरा नाम, ये कितना सैलरी है इसकी, जॉब करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, तो जो मुझे जन्म जन्मांतर तक बहा के ले जाएगा मेरा गोविंद, वो मेरे अंदर भी तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल।
जो आपने जब ठाकुर जी के आप भक्त हो गए, ठाकुर जी को आप मानने लगे, सब कुछ अपना जो आपका पास्ट था उसे भूल करके वर्तमान में जीने लगे, तो कुछ तथा कथित लोगों ने विरोध भी किया होगा, तो उसको आपने कैसे फेस किया? किसी ने विरोध किया कि नहीं किया? जब एक आदमी अच्छाई और गोविंद और मतलब चलता है ना थोड़ा सा, तो आपको पता ही है, मीराबाई नहीं बच सके, रस खान नहीं बच सके, कर्मा भाई नहीं बच सके, तो हम कहाँ से बच जाएंगे भैया? तो उस मतलब उस प्रॉब्लम का कैसे फेस किया है, किस प्रकार की आपको परेशानियाँ आई बीच में? परेशानियाँ तो भैया बहुत आई, कोई मारने की धमकी दे जाता है, कोई दरवाजे पे आ जाता है, किसी ने मुझे मेंटली भी टॉर्चर बहुत ज़्यादा करा, लोगों ने मेंटली तो बहुत ज़्यादा करा, और अब भी कर रहे हैं लोग, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हें आप कैसे जवाब देते हैं, किस माध्यम से, कि हम मानने वाले नहीं है? बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम मानने वाले नहीं है, हम उनसे क्यों बात करें, हम तो अपने ठाकुर जी से बात करते हैं और यही सोचते हैं कि भैया चलो बोलता है बोलने दो। आप देखा होगा ना कि हम लोगों को ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, मैं यही इंटरव्यूज़ वगैरह भी मैं इनसे भी कहता हूँ कि ज़्यादा हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि हम यही करने नहीं है कि पब्लिसिटी पाना है या हिंदू मुसलमान करके मुझे आगे जाना है, नहीं, हमारे को फिर भक्ति में दिक्कत होती है कि वो फिर दिमाग में इन फालतू लोगों की बातें आती है, फिर वो इंसान है हम भी तो माइंड चलता है, तो इसलिए हम सोचते कि ज़्यादा ही सब चीज़ों के लफड़ों में पड़े ही ना, अपना ठाकुर जी को मानना और ठाकुर जी से प्रेम करना वही करते रहे। वही करते। आप कीर्तन बहुत अच्छे गाते हैं, भजन आप बहुत अच्छे करते हैं, ये आपने कहाँ से, आपकी विरासत में मिला कि आपने सीखा? नहीं, ना तो कोई मेरे घर से नाचना गाना हमारे में आपको पता शिर्क है, तो ये विरासत में तो नहीं, मैं ठाकुर जी के लिए गाता था शुरू से, जैसे घर में गाता था तो मंदिरों में जाके गाता था, तो बड़ी बुढ़ी थी तो उनके सामने गाना स्टार्ट था तो वो लोग सुनती थी, वो बन गया कि मेरा जीवन यापन करने का तरीका भी बन गया, क्योंकि भैया अब वो होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो लड्डू गोपाल को मैं लेके नहीं जा सकता, कहीं काम करने जा रहा हूँ तो वहाँ लड्डू गोपाल को लेके नहीं जा सकता, तो फिर अब हम भजन करते हैं तो वहाँ लड्डू गोपाल को भी ले जा सकते हैं, और मेन बात यह है कि इससे हमारा गुजर बसर भी हो जाता है, क्योंकि जीने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो गुजर बसर भी हो जाता है। और एक चीज़ और भी थी कि जो सड़कों पर गायें घूमती हैं, जो भी हमारा जो भी आता है कीर्तन से पैसा, हम उनको चारा और मैं डालता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखी है उसकी, और अब तो सनातन लोग भी हेल्प करने लग गए धीरे धीरे। एक फ़ोन आया मेरे पास कि भैया आपको एक गौशाला है बरसाने में, हम आपको ज़मीन दे देंगे, आप गौशाला खोल लो, नाम आपका जो भी होगा आधा आधा करेंगे। मैंने कहा भैया ये आधा आधा क्या होता है? कह रहे जो भी आएगा। मैंने कहा नहीं भैया देखो, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं सनातन से धोखा कर सकता हूँ, लोगों से धोखा कर सकता हूँ, पर मैं अपने आप से कैसे नजरें मिलाऊँ, अपने आप से कैसे धोखा कर सकता, मैं अपने आप से कैसे वो करूँगा, हम मैं आपसे झूठ बोल लूँगा, सामने दुनिया वालों से झूठ बोल लूँगा, क्योंकि एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, मर के हमें ऊपर जाना, वहाँ भी जवाब देना, जवाब देना। एक चीज और, आपको कीर्तन सुनाएंगे कोई भजन जो आपका फेवरेट भजन हो? मैं पहले भी गाता हूँ और ये बहुत मेरा फेवरेट है, अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में तो कुछ ना रखा था मेरी जिंदगी में, बदल ही गई मेरी दुनिया तभी से जो नजरे करम की मेरी जिंदगी में। शादी ब्याह करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करते हैं तो कैसे करेंगे? भैया मैंने आज तक जीवन में कोई चीज सोच के नहीं चला कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जैसा गोविंद चलाता गया वैसा मैं करता गया। और शादी भी आता तो भैया मैं, मेरी बात तो ये आप पूछोगे ना तो वो कहेंगे कि अरे लव जिहाद करेगा ये, है ना, तो इन सब चीज़ों में पढ़ना बेकार है, मैं तो ज़्यादा तक कि मैं सोचता हूँ कि ना ही करूँ। अच्छा नहीं करें, मतलब सब कुछ अपने आप को ठाकुर। हाँ, जब हम दो साथ में, मेरे और इनके साथ जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, हम बहुत अच्छी बहुत अच्छी, मैं भी दीवाना हो गया कृष्ण कांत देख करके आपके सामने ठाकुर जी, तो हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, तीसरा की क्या काम फिर। आप बचपन में बहुत डरते थे घर पर भी हमेशा, लेकिन इतना बड़ा फैसला लिया तो वो डर नहीं लगा, क्योंकि बचपन बोले मतलब घर में रूम में आप डरते थे और आज पूरी दुनिया के सामने। हाँ, मैं बहुत छोटा सा था तो बहुत मैं मतलब बहुत कमजोर दिल का था कि मतलब छोटा सा था, वॉशरूम में मैं अकेले नहीं जाया करता था, मैं अपनी नानी को लेके जाया करता था, और अंधेरा हो जाएगा तो मैं भूत है तो वो डर लगता था, तो फिर जहाँ तक कि अब डर इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि जब ठाकुर जी साथ खड़े हैं, जब अर्जुन के रथ पे खड़े होकर अर्जुन को पूरा महाभारत जिता सकते हैं, जब वो मेरे साथ खड़े हैं तो डर तो फिर अपने आप ही निकल जाएगा ना, जब त्रिलोकी का नाथ साथ में है तो फिर डरना किस बात का। आपके जीवन में गायत्री मंत्र का भी कुछ योगदान रहा है?
गायत्री मंत्र के बारे में तो आप कुछ बताएंगे, गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव ये है कि मैं एक टाइम पे ऐसा आया, डिप्रेस लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया था, तो जो गायत्री मंत्र थी वो मैंने क्या करा कि मुझे किसी ने बताया कि क्या बात है, तो क्यों ऐसे, मैंने कहा देखो ना मुझे ऐसी चीज़ें डिप्रेस हो जाता हूँ, तो लो एक मेरा फ्रेंड उसने कहा कि डॉक्टर वहाँ चल रहे, फिर उन्होंने बताया कि एक काम कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर, जाप करने के बाद एक गिलास में पानी ले उसमें फूंक मारो उसको पी, टेंशन फ्री हो जाएगा। मैं सबको कहता हूँ कि टेंशन फ्री हो जाता हूँ, मैं खुद इस चीज़ को अपनाया कि लोगों की बातों का आप देखोगे ना तो अगर मेरे जैसा आदमी हो तो चैन से सोए क्या, सो ना पाए, जिस तरह की मेरी तरफ अभी चल रही हैं बातें, कोई न्यूज़ वाला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो सकता है। तो मैं तो यही करता हूँ कि जब देखता हूँ कि ज़्यादा दुनिया ने इतनी कर दी है, भर चुका है, तो एक गिलास पानी और पूरा अंदर से बाहर आ जाता है। गायत्री मंत्र से उसका जो आचमन करके आप पानी पिए तो उनसे पूरा डर समाप्त हो जाता है? हाँ बिल्कुल, आप करके देखिएगा, मैं दावा के साथ करा, मुझे हुआ तो भाई होगा ही जरूर, मैं भी इस चीज को जरूर करूंगा। नहीं, आप करना, एक्चुअली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं कि भैया मेरे साथ तो ऐसा होता है, मतलब डिप्रेस लोग भी बहुत, भक्ति में आप देखोगे ना तो थोड़े बहुत डिप्रेस लोग भी आएंगे कि हमें शांति मिले, तो मैं उनको भी चीज़ बोलता हूँ कि आप एक काम करो, जब सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ठाकुर जी का जोत जला के आप एक गिलास पानी रखो पास में और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करो और फिर उसको पानी डाल के फूक, तो वो कल आके कहते भैया मैंने कल करा, बहुत मुझे मतलब इतना रिलैक्स मिला ना मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा कि भैया देखो हम, मैंने बताया को वो काफ़ी लोग फिर वो आगे बताते जाते हैं लोग, तो काफ़ी लोगों को वो होता है। कैसे लगे हमारी वार्ता आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए, और आप इतना तो जरूर करिए कि भाई को अप्रिसिएट जरूर कि सनातन को अपना रहे हैं और सनातन मित्र अग्रसर हो रहे हैं, तो राधे राधे कमेंट में लिखें, भाई को अप्रिसिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जयप्रकाश, कैमरामैन दीपक के साथ अपनी वार्ता से।